Panda. I got broads in Atlanta. Just to go be in the family. Credit cards in the scammers. Getting the looks in the family. Legacies. हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। सो गाइस, काफ़ी सारे दोस्त कमेंट्स कर रहे थे कि जामुड़ भाई आप गिव अवे कब कर रहे हो। तो भाई गिव अवे का मैं आप दोस्तों को बता दूं, गिव अवे मैं करने वाला हूं 20K सब्सक्राइबर्स पर। वो भी कोशिश करूँगा, तूफान स्ट्राइकर का अकाउंट गिव अवे करूँगा 20K सब्सक्राइबर्स पर। सो आप जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे जल्दी से जल्दी 20K सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट हो जाएँ और मैं गिव अवे करूँ तो आप लोगों में से एक लकी विनर बने। तो यहाँ पर भाई लोग, मैं मैच स्टार्ट कर लेता हूँ न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा मैच किसके साथ लगता है। गेस्ट अकाउंट के साथ हमारा मैच लगा है, 15 लेवल है उसका। हाँ तो भाई लोग, काफ़ी टाइम गुजर गया, हमारे ओपनर ने अभी तक हमें चांस नहीं दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी उसकी 3 ही डिस्क रहती हैं और मुझे तो नहीं लगता कि वो हमें चांस देने वाला है। अगर नहीं देता अभी एक दो मैच और भी हम खेलेंगे, मसला नहीं है। यहाँ पर चलिए भाई, उसकी लास्ट डिस्क रहती है लेकिन मुझे वो थोड़ा सा क्लोज लग रही है। जी बिल्कुल, अभी ये इनडायरेक्ट भी पोर्ट मुझे जहाँ तक लगता है नहीं कर सकता, क्योंकि भाई उसके सामने भी मेरी डिस्क एक रखी हुई है। तो आप लोगों को क्या लगता है जल्दी जल्दी से कमेंट्स में बताएं, क्या ये इनडायरेक्ट पोर्ट कर सकता है या नहीं। देखें भाई, इसने मतलब ये शॉट मिस कर दिया। अभी हमारी टर्न आ चुकी है। अभी ज़्यादातर बंदे क्या करते हैं कि अगर ओपनर की टर्न आ जाए और उसके सारे डिस्क ओपन हो ना, तो वो मैच को लीव कर देते हैं। उसका प्रूफ आपको इसी वीडियो के अंदर देखने को मिल। और भाई यहाँ पर फॉल होते होते बच गया, क्या यार मैं बातों में। अभी मैं टॉप राइट में यहाँ पर पोर्ट करता हूँ, उसके बाद मैं टॉप लेफ्ट में पोर्ट करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर ठीक हो गया, तो यहाँ पर ये टैप टॉप लेफ्ट में भी मैंने पोर्ट कर दिया। अभी मैं फिर से यहाँ पर टॉप लेफ्ट में पोर्ट करूँगा, तो यहाँ पर ये चलिए अभी मेरी 5 डिस्क पोर्ट हो चुकी हैं, सिर्फ 4 ही डिस्क रहती हैं। अभी मैं टॉप राइट में पोर्ट करूँगा और मेरी टॉप में जो डिस्क फंसी हुई है उसको मैं ओपन कर लूँगा यहाँ से, कुछ इस तरीके से। ज़बरदस्त शॉट के साथ मैंने उसको ओपन कर दिया। और भाई लोग यहाँ पर, और भाई तो भाई लोग, मैं इसके बारे में कह रहा था कि अभी तो मेरी 3-4 डिस्क बची हुई थी, हो सकता है कि मेरे से कोई शॉट मिस हो जाती और ओपनर मैच विन कर लेता। तो लीव क्यों करते हैं यार आप लोग, मुझे समझ नहीं आती बात। दूसरा मैच मैं खेलने वाला हूँ कराची अरीना के अंदर फ्री स्टाइल में। यहाँ पर हमारा मैच लग चुका है, ओपोनेंट का जो लेवल है वो है 48 और यहाँ पर हमारे ओपोनेंट की टर्न है। तो यहाँ पर चलिए भाई, मैं भी ऐसे ही कर देता हूँ मैं भी कुछ इस तरीके से इसको कर दूँगा। A few moments later. हाँ तो भाई लोग, काफ़ी टाइम गुजर गया, तो मैंने गलती से ओपन कर दिए थे पक्स और यहाँ पर ओपोनेंट ने लगाना स्टार्ट किया। 7-8 डिस्क लगा चुका है और यहाँ पर देख लें कितना अच्छा लक है बंदे का, यार क्या बात है। तो भाई लोग यहाँ पर अभी देखना ये है कि क्या हमें ये चांस देते। और भाई फॉल कर दिया बंदे ने, तो चलिए कोई बात नहीं, अभी हमारी टर्न आ चुकी है तो खेलना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बॉटम राइट में मैं वाइट वाली डिस्क को पोर्ट करूँगा कनेक्शन शॉट के साथ, तो ये इजी शॉट हो जाएगी। उसके बाद मेरे चलिए 2 डिस्क पोर्ट हो गई, टॉप लेफ्ट में भी पोर्ट हो गई। इसके अलावा मैं ब्लैक को टॉप लेफ्ट में पोर्ट करूँगा, ठीक हो गया। देख लें भाई ये क्या है मतलब मेरी सारी डिस्क जब ओपन है तो आप मैच लीव कर देते हो, तो भाई हम वीडियो कैसे बनाएंगे यार, प्लीज़ मैच को तो लीव मत करो ना। हाँ सच्ची बात मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप लोग मैच को लीव करेंगे तो हम लोग वीडियो कहाँ से बनाएंगे। और तीसरा मैच भी हमारा गेस्ट अकाउंट के साथ लगा है जिसका लेवल है 31 और यहाँ पर हमारे ओपनर की टर्न है। देखते हैं हमारा ओपनर मतलब ये क्या कर रहा है, तो मैं भी कुछ इस तरीके से इसको ओपन करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा मैं टच करने की ओके। तो भाई लोग यहाँ पर मैंने ओपन करने की कोशिश की थी बट गलती से यहाँ पर एक डिस्क ओपन हो गई। तो यहाँ पर ओपनर मतलब अभी मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर हमें दोबारा चांस देने वाला है, क्योंकि सारे डिस्क यहाँ पर ओपन हो चुके हैं और ये भाई फ्री स्टाइल है, यहाँ ऐसा ही होता है। मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आप सिर्फ वाइट या ब्लैक लगा सकते हैं, यहाँ पर नहीं भाई, यहाँ पर आपको दोनों लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कोई ना कोई तो हर बार ओपन होगी और उसको यूज़ करके बंदा दूसरे पक्ष को ओपन कर लेता है। तो मतलब ये जहाँ तक मुझे लगता है कि फ्री स्टाइल मैच में जब तक फॉल ना हो तब तक बहुत मुश्किल चांस है कि ओपनर को चांस मिले। मतलब तो आप लोगों को क्या ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मतलब तो समझ गए होंगे आप लोग यार मेरी बात, इतने भी छोटे बच्चे तो नहीं हैं आप।
तो यहाँ पर देखते हैं अभी हमारा ओपनर कौन सी डिस्क लगाता है। तो यहाँ पर चलिए भाई, ओपनर ने हमें चांस दे दिया। अभी हम रेड को ही बॉटम लेफ्ट में लगाकर अपने बाकी के पक्स को ओपन करने की कोशिश करेंगे यहाँ से। सो यहाँ पर बिल्कुल ईजी यार, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे फास्ट लाइन में रखना था ताकि मैं मतलब मेरे और भी डिस्क ओपन हो जाते, बट ठीक है, यहाँ पर इनसे भी मैं मैच विन कर सकता हूँ। तो चलिए भाई लोग, यहाँ पर इजी शॉट हो गई। अभी मैं यहाँ पर टॉप लेफ्ट में लगाऊंगा शॉट को। टॉप लेफ्ट में लगाने के बाद अभी टॉप राइट में ब्लैक को लगाऊंगा। हो सकता है मेरे जो इधर तीन डिस्क हैं ये ओपन हो जाते, बट ये नहीं। अभी इनसे मैं इनडायरेक्ट कनेक्शन शॉट खेल सकता हूँ बॉटम लेफ्ट में कुछ ये वाली। तो कैसी लगी शॉट कॉमेंट्स में ज़रूर बताएँ। अभी गाइज मेरे बीसी पॉइंट्स रहते हैं, तो यहाँ पर मैं टॉप राइट में कनेक्शन शॉट खेल सकता हूँ, ब्लैक को लगाकर वाइट को पोर्ट कर सकता हूँ। अगर शॉट लग जाए तो भाई लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आप लोगों ने एक साथ। तो भाई लोग वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके लाजमी से बताना। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इस वीडियो के ऊपर हम एम करते हैं 1000 लाइक्स के लिए। आई होप आप जल्दी से जल्दी 1000 लाइक कंप्लीट करवा दोगे। सो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।